बिल्डिंग की जो खूबसूरती है वो ये है कि इसमें जैसे ही हम एंटर होते हैं इसके अंदर दो कॉरिडोर्स हैं। जो पहला कॉरिडोर है उस साइड पे हमारे बेसिकली 2-बेड अपार्टमेंट्स हैं और जो सेंटर में स्पेस है उस पे हमारा 3-बेड एग्जेक्टिव और 2-बेड एग्जेक्टिव, यही पैटर्न हमारा ऊपर को जा रहा है। और जो हमारा बैक वाला कॉरिडोर है जो दूसरी साइड पर है इसके अंदर ये जो अपार्टमेंट्स हैं दे आर 1-बेड अपार्टमेंट बेसिकली। सो आए आपको 1-बेड अपार्टमेंट विजिट कराते हैं। इसके अंदर भी खूबसूरत टाइल कंपनी ने एक इसके अंदर जो ब्यूटिफिकेशन है हर एक को, चाहे वो 1-बेड है, 2-बेड है, 3-बेड है, सब पे एक स्टैंडर्ड का, और कोशिश की है कि जब आप बिल्डिंग के अंदर एंटर हों आपको एक प्लेजेंट फीलिंग मिले। सो इसका भी जो बेडरूम है आए हम उसको देखते हैं। ये इसके अंदर हमारा बेडरूम सेम उसी तरीके से कंपनी ने आपके एसी के लिए, ताकि आपको बाद में यहाँ पे आके कोई वेयर एंड टीयर ना करनी पड़े, वो पाइप्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरीके से जो बाहर हमारा कनेक्शन होना है उसका भी है, और इसका भी जैसे बाकियों का है बालकनी, इसकी भी एक खूबसूरत बालकनी 1-बेड अपार्टमेंट की भी आपको मिलती है। सो जो 1-बेड है मोस्टली ऑफिस वर्किंग जो हैं पर्सन, स्पेशली जो हमारे एयरपोर्ट पे लोग जॉब कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आपके ऑफिस के नियर बाय एक आपको अच्छी एकोमोडेशन मिलेगी। ये इसका अटैच वॉशरूम, ये भी हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इधर सुन लीजिए, आई होप सो कि आपको 1-बेड अपार्टमेंट की एकोमोडेशन भी पसंद आएगी। व्यूअर्स अब मैं आपको 2-बेड एग्जेक्टिव अपार्टमेंट वो दिखाने जा रहा हूँ। आई गेस किसके अंदर क्यों फैमिली शिफ्ट हो रही है, ये उनकी चीज़ें आ चुकी हैं। सेम उसी तरीके से जो हमारा 1-बेड का लाउंज था उससे बड़ा फिर 2-बेड का, और फिर ये जो 2-बेड एग्जेक्टिव है इसका उससे बड़ा लाउंज। इसी तरीके से खूबसूरत स्पेशियस, ये वो कोई कंजेस्टेड अपार्टमेंट नहीं डिज़ाइन हुए हुए। आए आपको अभी ये दिखाते हैं कि जो 2-बेड एग्जेक्टिव है इसकी एक और खूबसूरती क्या है। दैट वाज आर लाउंज बेसिकली डाइनिंग, और ये इसके अंदर कंपनी ने एक और जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है कि जो हमारा 2-बेड एग्जेक्टिव है इसकी एंट्रेंस बोथ कॉरिडोर से है। हम उस तरफ से भी एंटर हुए हैं, अगर लेट से आप कहते हैं कि आपके गेस्ट हैं और आप उनको सेपरेट एंट्रेंस देना चाहते हैं, सो ये एक सेपरेट एंट्रेंस है। ये बेसिकली हमारा दूसरा बैक साइड जो थी कॉरिडोर की, हम वहाँ से भी जो हमारा 2-बेड एग्जेक्टिव अपार्टमेंट है इसके अंदर हम लोग एंटर हो सकते हैं जी। इसमें भी उसी तरीके से वॉशरूम डिज़ाइन किया गया। ये बेसिकली मैं भी आपको अपना फर्स्ट बेडरूम दिखाता हूँ जी, 2-बेड एग्जेक्टिव का। सेम उसी तरीके से खूबसूरत कबर्ड्स विद अटैच वॉशरूम विद बालकनी। ये आपको दिखाते हैं हर एक की बहुत खूबसूरत बालकनी। अगर आप बाहर बैठ के बिल्डिंग में चाय का कप एंजॉय करना चाहते हैं तो ये जो बालकनी है इसका एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। ये हमारा 2-बेड एग्जेक्टिव का जो किचन है, आई गेस जो हम नॉर्मली 10 मरला या 12 मरला के जो हमारे किचन्स होते हैं वो भी इसी एरिया के होते हैं। प्रॉपर एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया और ख़ूबसूरत स्पेशियस लिविंग आपको कम्युनिटी यहाँ इंशाल्लाह मिलने लगी है। ये हमारा 2-बेड एग्जेक्टिव का जो सेकंड बेड है बेसिकली, मैं अभी वो आपको दिखा रहा हूँ जी। व्यूअर्स आई होप सो कि आपको जो टाइम स्क्वायर रेजिडेंस के अपार्टमेंट्स हैं 1-बेड, 2-बेड, 2-बेड एग्जेक्टिव एंड 3-बेड एग्जेक्टिव अपार्टमेंट, आई होप सो कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर इस बिल्डिंग के अंदर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप अपार्टमेंट बाय करना चाहते हैं या आपको रेंट पे इधर अपार्टमेंट चाहिए, सो आप डिसेंट कॉर्पोरेशन से रब्ता कर सकते हैं।